कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की। इसमें सभी केंद्र शासित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि अगले 3 हफ्ते कोरोना की लड़ाई में निर्णायक होने वाले हैं। इस दौरान हर किसी को काफी सावधानी रखनी होगी। सभी राज्यों को उन्होंने 3 हफ्ते की प्लानिंग एडवांस में करने के लिए कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा कि हल्के सिम्टम्स होने के बाद आज मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान जो कोई भी मेरे संपर्क में आए हैं वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से लगे 10-12 गांवों को टाइफाइड अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना के बीच इस बीमारी की आहट ने लोगों को परेशान कर दिया है, वो बेहद डरे हुए हैं। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालातों को देखते हुए लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक किराना, फल सब्जियों की दुकानें, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, खाने पीने की दूसरी वस्तुओं की दुकानें और कृषि उपज मंडी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के लिए खोली जा सकेंगी। 5 शहरों में टोटल लॉकडाउन के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार को ही हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कम्प्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोरोना के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इंडस्ट्री ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इंतजार कर सकती है, कोरोना के मरीज नहीं। इस वक्त इंसानी जिंदगियां दांव पर लगी है। कोरोना टेस्टिंग से जुड़ी एक पिटीशन की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर यहां अब 16 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का फैसला किया गया है। भारत की झिली डाला बेहड़ा ने ताशगंज में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियन की 45 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता झिली ने स्नैच में 69 किलोग्राम और इसके बाद क्लीन एवं जर्क में 88 किलोग्राम का वजन उठाया। 90 के दशक के पॉपुलर म्यूजिशियन जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण कुमार राठौर गंभीर हालत में मुंबई के रहेजा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुछ दिनों पहले 67 साल के संगीतकार का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बाजार में गिरावट जारी है। मंगलवार को बाजार लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 243 पॉइंट गिरकर 47,705 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 63 पॉइंट नीचे 47,705 पर बंद हुआ।